नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल फिल्म पर तमाम विद्यार्थियों तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी को एग्ज़ाम के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा मिसाइल मिल रहा है, उसी में आज हम लोग अगले कालखंड की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो आपके लिए इस प्रकार है। आप इसे देखें और अच्छा लगे तो कृपया शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हम लोग बिना समय गवाए हुए पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहता है ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। ग्रसनी जो है कंठ द्वार के नीचे स्वर यंत्र या लैरिंग्स के नीचे खुलती है। ग्रसनी जो है वह स्वर यंत्र के नीचे ग्रसनी जो है आगे जाकर के स्वर यंत्र या लैरिंग्स के नीचे खुल जाती है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में समानता कितने प्रकार के श्वसन अंग है। कोई भी जीव ज़्यादा से ज़्यादा श्वसन कर सकता है तीन जगह से, पहला फेफड़ा, दूसरा गिल्स या गलफड़ा और तीसरा जिसका नाम है चमड़ा। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मेंढक ऐसा जीव है जो तीनों चीज से सांस लेता है, जब जल में रहता है तो गिल्स या गलफड़े से, जब जमीन के भीतर गर्मी के दिनों में चल जाता है तो मिट्टी के गर्मी को, मिट्टी के ऑक्सीजन, मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को स्किन के द्वारा चाँपता है, टांगता है, और जब बाहर जब स्थल पर रहता है तो वायुमंडलीय जो हवा में गैस रहते हैं उसको अपने फेफड़े के मदद से श्वास लेता है, इसीलिए वह तीनों जगह फिट बैठता है और बड़ी आसानी से ज़िंदगी जी लेता है। तो याद रखिएगा मेंढक ही ऐसा जंतु है जो तीनों जगह तीनों अंगों से श्वसन भी लेता है। और अधिक सचिन श्वसन के अंग कितने होते हैं, तीन होते हैं, जो गिल्स होता है, स्किन होता है मतलब चमड़ा, और फेफड़ा। अगला सवाल है सीने में जोड़ी पसलियों की संख्या होती है, सीने में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। तो सीने में 12 जोड़ी पसलियाँ या 24 पीस कह सकते हो, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है सीने में, जो 12 दाहिने तरफ और बाएँ तरफ होता है, जो एक डायग्राम का रूप देता है जो हमारे फेफड़े को एक आकार देता है। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा वक्ष गुहा, जो ये डायग्राम जो पसलियों से जो एक डायग्राम बनता है उसको हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं, और वक्ष गुहा में फेफड़ा स्थित होता है। अगला है कंठ के आगे के भाग क्या कहलाता है। कंठ के आगे के भाग को हम लोग श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। कंठ के आगे वाले भाग को श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। कंठ के आगे वाले भाग को श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। अगला सवाल श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए श्वसन में मैं आपको पहले बता दिया कि श्वसन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, टूटने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है और हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। देखिएगा बुआ जब हम इसको समझेंगे अच्छे से, इस चीज़ को हम जब समझना शुरू करते हैं और जब अच्छे से इस बात को अच्छे से समझते हैं तब हमको मालूम चलता है कि ग्लूकोज C6H12O6+6O2 मतलब ऑक्सीजन एंजाइम की उपस्थिति में विक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा हमें देता है जिसको हमको माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेते हैं। अब कोशिका का ऊर्जा गृह जो होता है, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का पावर हाउस, उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का ऊर्जा गृह अब्जॉर्ब होता है जहाँ पे वो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कराता है, या फिर हम जब भोजन नहीं कर पाते, भोजन पचने के बाद कभी कल हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं फिर भी हमारे शरीर में अन्य जैविक क्रिया संपन्न होते रहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया से स्टोर एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल कहता है हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है। तो हीमोग्लोबिन रक्त में रहता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का रंजक प्रोटीन है जिससे हीम जो ग्लोबिन, ग्लोबिन जो होता है वो आप कह सकते हो कि एक पिगमेंट है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या, लोहा, आयरन, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने में होता है। लोहे की कमी से, आयरन की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं, और एनीमिया से ज़्यादातर महिलाएं, लड़कियां मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण, महावारी के कारण उनके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में खून निकल जाता है, इसलिए उनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की कमी हो जाती है, रक्त छिन्नता बीमारी हो जाता है। हाँ, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए बाबू, तो सबसे पहले कि अगर आप रक्त छिन्नता से बचना चाहते हैं तो आपको हरे साग सब्जी पत्तेदार खाना पड़ेगा जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो और जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बना कर रखे और आपको रक्त छिन्नता की बीमारी ना हो, एनीमिया की बीमारी ना हो। तो एनीमिया बीमारी किससे होता है, आयरन की कमी से, लोहे की कमी से, और वो आपको कहाँ मिलेगा, हरी पत्तेदार साग सब्जी यानी आपको घास भूसा खाना है। आगे बढ़ेंगे, किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्या है, तो किण्वन एक अनोक्सी श्वसन है
जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, इष्ट में, गुदेदार फलों में, इन सभी में किण्वन होता है। तो आप बोल सकते हो इष्ट में, यहाँ पे गुदेदार फल भी ले सकते, गुदेदार मतलब जिसमें ज्यादा गुद्दा हो, जैसे सेब, आम, ठीक है ना, इसमें गुदेदार फलों में हो जाता है। अगला है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने, तो जब सांस लेगा तो उसको बोलते हैं प्रश्वास, घुस गया श्वास, और जब छोड़ देंगे तो हो जाएगा उच्छ्वास, और जब छोड़ेंगे या लेंगे तो इसको बोलते हैं स्वच्छोवास। अब समझ में आ गया, प्रश्वास घुसा लिए, छोड़ दिए उच्छ्वास, और जब दोनों एक साथ छोड़ेंगे पकड़ेंगे, छोड़ेंगे पकड़ेंगे, तो बोलेंगे स्वच्छोवास। क्लियर है कंसेप्ट? आगे है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है क्या कहलाता है? देखो भैया, श्वसन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते अवायवीय श्वसन, एक को बोलते अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनऑक्सीजन श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन जब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडीकरण होता है जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें अल्कोहल नहीं बनता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है जिससे इथाइल अल्कोहल C2H5 नामक कंपाउंड बन जाता है, जिससे व्यक्तियों के मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो आप कह सकते हो लगातार दौड़ने से, लगातार चलने से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर भी श्वसन इसेंशियल है, श्वसन हो जाए करता है, उस श्वसन का नाम है अवायवीय श्वसन, और हो जाने के कारण इथाइल अल्कोहल बन जाता है और फिर जो दशा है वो आपको पता है। तो आप कह सकते हो कि अवायवीय श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अगला सवाल, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है? अभी बता दिए थे, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन में होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पहला चरण समाप्त हो जाता है और पावर हाउस में जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन अनऑक्सीजन श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कहां होता है? वही सवाल रिपीट किया, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कहां होता है बाबू? अनऑक्सीजन श्वसन में। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फेफड़ा मिलकर क्या कहलाते हो? नासिका छिद्र मतलब नाक, लैरिंग्स कंठ, श्वास नली या ट्रेकिया, और एक या फेफड़ा, ये चारों मिलाकर श्वसन अंग है। बस सांस लेने का चार गो अंग है, नाक, कंठ से आगे जो बढ़ते हैं सो लैरिंग्स या स्वर यंत्र, ओकरा आगे बढ़ते श्वास नली ट्रेकिया, ओकरा आगे बढ़ गए तो फेफड़ा, कहानी खत्म। इसी में से अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इसी ब्रोंकस में प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसी फेफड़े से तकलीफ हो जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हुआ, ब्रोंकस जाम हुआ, आदमी डेथ। मनुष्य के नासिका छिद्र लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। मछली में गिल्स कोस्ट में एक चपटी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? गिल कोस्ट कहते हैं उसे, या गलफरा कहते हैं, जिसके मदद से सांस लेता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गिल्स या गलफरा, चमड़ा और फेफड़ा से सांस लेने वाला एकमात्र जीव है जिसका नाम मेंढक है। कुडुक कुडुक चलता है मेंढक भैया, टटर टटर करता है। और हमको मेंढक मत समझाना कि हम टटराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम सबको पढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सुजनपुर। अमर तू सा चेला हाथा, हमार वीडियो पसंद लो तो शेयर मार द, न पसंद लो डिसलाइक होके हट जाइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।